संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे गोल्डन फीजेंट और सिल्वर फीजेंट की। गोल्डन और सिल्वर फीजेंट एक अत्यंत ही खूबसूरत पक्षी है। ये मूल रूप से पश्चिमी चाइना के निवासी हैं, पर ये थोड़ी विभिन्नता के साथ यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। इनकी खासियत है कि नर फीजेंट मादा फीजेंट से देखने में ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एक गोल्डन फीजेंट का औसत वजन 500 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक होता है। नर गोल्डन फीजेंट की लंबाई 90 से 105 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें उसकी पूंछ 2/3 लंबी होती है। मादा गोल्डन फीजेंट 60 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। गोल्डन फीजेंट सर्वहारी होते हैं। अनाज के दानों के अलावा पत्ते, छोटे फल और छोटे कीड़ों को भी खाते हैं। ज्यादातर जंगलों में ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फीजेंट उड़ सकते हैं, पर जमीन पर दौड़ना इन्हें पसंद है। 1 से 2 साल की उम्र में ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा एक बार में 8 से 12 अंडे देती है। 22-23 दिन के बाद उससे बच्चे निकलते हैं। ज्यादातर एक नर के साथ 4-5 मादा फीजेंट एक साथ रहते हैं। नर को कॉक और मादा को हेन कहा जाता है। इनकी एक और विशेषता है कि नर और मादा दोनों के पैर पीले रंग के होते हैं। दिन के समय ज्यादातर ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन रात में पेड़ों पर भी वास करते हैं। मेनली एक एक्जोटिक स्पीसीज हैं और IUCN में इनका स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। जो सिल्वर फीजेंट होते हैं, जैसा कि सभी फीजेंट्स में पाया जाता है, इनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और फीमेल मेल के बनिस्पत कम सोई होते हैं, कम फैंसी फुल उनका कलर होता है। इसी तरह जो गोल्डन फीजेंट हैं उन्हें चाइनीज फीजेंट भी कहा जाता है। इनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है और ये जो इसके मेल होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं और इनके फीदर्स गोल्डन, येलो, रेड, ब्लैक इत्यादि के स्ट्राइप्स इन पे पाए जाते हैं और इनका जो अपीयरेंस है वो लेडी एमरेस्ट से मिलता है और इनके बहुत सारे वेरिएंट भी हैं। म्यूटेशन के कारण भी इनमें चेंजेस काफी पाया जाता है। अब हम चलेंगे हॉर्नबिल के एनक्लोजर के पास। हॉर्नबिल, भारत में इसे धनेश भी कहा जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक होते हैं। हॉर्नबिल अन्य पक्षियों की तुलना में आकार में बड़ा होता है और इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। हॉर्नबिल पक्षी की रंगीन चोंच भारी होती है, जो इसकी मजबूत गर्दन से जुड़ी होती है और नीचे की तरफ मुड़ी होती है, जिस पर सींग की तरह दिखने वाला उभार होता है। इस वजह से इस पक्षी का नाम हॉर्नबिल पड़ा, जिसमें हॉर्न का मतलब सींग और बिल का मतलब चोंच है। इनके चोंच काफी मजबूत होते हैं, जिनका उपयोग ये पेड़ पर बिल बनाने और शिकार करने के लिए करते हैं। पूरे विश्व में हॉर्नबिल यानी धनेश पक्षी की 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और मलेशिया में देखने को मिलती हैं। भारत में इस पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ों पर, घने जंगलों में और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। इनका प्रजनन काल शीत ऋतु के बीच होता है। मादा हॉर्नबिल एक बार में 2 से 5 अंडे देती है। ये प्रायः जोड़े या समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी औसत जीवन काल 20 वर्षों की होती है। मादा हॉर्नबिल पक्षी नर हॉर्नबिल पक्षी की तुलना में छोटी होती है। इनकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर से 4 फुट तक होते हैं और इनका वजन 200 ग्राम से 4 किलोग्राम तक होता है। अन्य सभी पक्षियों की तरह ये भी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन खुद को या अपने बच्चों को खतरे में देखकर ये आक्रामक भी हो जाते हैं। वैसे तो हॉर्नबिल पक्षी खुले मैदानों में रहना पसंद नहीं करते हैं, पर इनकी कुछ प्रजातियां खुले मैदान में भी रहती हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान में जो यहाँ पर पक्षी हैं वो धनेश जो हैं वो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हैं। धनेश का जो घर घोंसला जो बनाया जाता है, मादा चुनाव करती है कि किस जगह पे मुझे अंडे देने हैं। उसमें जब मादा प्रवेश करती है तो वो जो घोंसले का जो सूखे पेड़ का जो छेद होता है उसमें इतना बड़ा छेद होना चाहिए कि पूरा धनेश जो है उसमें अट जाए। और धनेश जो अट जाने की बात होती है तब मादा जैसे प्रवेश करती है घोंसले के अंदर में तो वो मादा जो है अपने सलाइभा से पूरा छेद को बंद कर देती है घोंसले को। और छेद जो है घोंसले को बंद कर सलाइभा से बंद करने के बाद में सिर्फ उतना ही सुराख रखती है मादा कि वो फल बीज नर जो है उसको ला करके खिला सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग धनेश के रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देते हैं। इनका एक प्राकृतिक वास बनाया गया है, छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, हमेशा पानी का बदलाव होता रहता है। फल भोजन के रूप में हम लोग इन्हें केला सत्तू इत्यादि दाना इत्यादि देते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये पक्षी अपने आकार, रंग रूप और बड़े बड़े चोंच के कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।